हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे आज हम आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स में। हमने अभी तक इंटीजर्स के बारे में एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ लिया है, तो उसके आगे हम पढ़ते हैं इंटीजर्स में एक जो लास्ट डिवीजन बचता है वो डिवीजन आज देख लेते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अगर समझ में आ गया अच्छे से, तो डिवीजन में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सेम रूल आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपको -30 को डिवाइड करना है -2 से, तो आप पहले माइनस का छोड़ो, पहले डिवाइड कर लो। 30 को 2 से डिवाइड करा, 15 टाइम्स हो गया। और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में यूज करते हैं वैसे ही यूज करो, माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस, तो आंसर क्या गया इसके 15 आ गया। अब जैसे कि 0 डिवाइडेड बाय -5, 0 को किससे भी डिवाइड करो आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। फिर जैसे कि अलग अलग तरीके से 360, अब यहाँ पे देखो आपके लिए दे देगा ब्लैंक दे दिया और आंसर आया -1। पहली बात तो 1 कब आता है आंसर, जब किसी नंबर को उसी से डिवाइड करो, मतलब कि यहाँ कितना आना है 360 आना है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ तो कोई साइन था नहीं, तो कम से कम एक माइनस तो होगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस हुआ होगा। जैसे कि यहाँ ब्लैंक दे दिया आपको और फिर यहाँ पे दे दिया 100, इसका आंसर बन दे दिया, तो सीधी सी बात है यहाँ बनाना है, तो क्या होगा यहाँ पर वही नंबर होगा, और यहाँ क्या प्लस है, ये भी प्लस था, ये भी क्या आना चाहिए, प्लस का नंबर आना चाहिए। किसी और नंबर को 1 से डिवाइड करें 0 आना, आंसर तो क्या आना चाहिए आपका यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो आप क्वेश्चंस किस पे करेंगे आज, आज आप करेंगे डिवीजन पे क्वेश्चंस। इंटीजर्स में आज आप डिवाइडर पे क्वेश्चन करना, ताकि आपको ये जो इंटीजर्स के चारों जो चीज़ें हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके अच्छे से क्लियर हो सके। एक चीज़ और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -6 ये आ गया। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा क्या रहता है कि कहाँ पे कब पहले क्या करना है, तो आसान से बात है आपको क्या करना रहता है, एक रूल होता है, इसको बताऊंगा मैं अगली क्लासेस में, पर लेकिन हल्का फुल्का आपको याद होना चाहिए कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये रूल होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, एडिशन एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो अगर यहाँ पे देखूँ मैं तो प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बीच में चल रहा है, तो मल्टीप्लीकेप्लाई पहले करेंगे, एडिशन तो आपको दिख रहा है, और पहले क्या करना चाहिए आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 3 का कितना हो गया 6, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 6, ये ब्रैकेट हटाएंगे आप यहाँ पे, सिर्फ 6 का यहाँ माइनस बाहर प्लस, प्लस माइनस माइनस 6 0। तो ये चीज़ें हैं जो भी बुक में मैंने देखा आपके लिए क्या क्या आने वाला है। तो इंटीजर्स में आपको लगभग यही है, प्लस माइनस एड करना, सबमिट करना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही क्वेश्चन है इसमें। तो आप के जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सके इनके क्वेश्चन करें और इसको कुछ देख लेते हैं। जैसे आपके आ गया -2 to the power 4। अब एक चीज है पावर, पावर एक्सपोनेंट हमने 6th क्लास में शायद पढ़ा होगा, किसी भी नंबर की पावर अगर दे रखी है तो उसको आप उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख लें। जैसे -2 to the power 4 है तो -2 को आप -2 से मल्टीप्लाई कितनी बार निकले, 4 टाइम्स लिखते हैं। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है 2 to the power 4 to the power 8 to the power 16, ये 16 हो गया, माइनस नेगेटिव साइन कितनी बार है, इवन बार है, 4 बार है, इवन बार है, तो आंसर क्या रहेगा आपके पॉजिटिव का 16 आ जाएगा। जैसे कि -2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय -1 to the power 4, तो पहले तो -3 को 2 बार लिख लेते हैं, -1 को 4 बार, तो ये क्या हो गया आपके 3 3 9, और 9 1 9 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर लास्ट तक क्या आएगा आपके 9 ही आएगा, नेगेटिव साइन 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, 6 क्या है आपके इवन है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा इसके 9 आ गया। तो आपको कुछ भी क्या करना है, आपके बुक के क्वेश्चन करो, आप बुक के बहुत क्वेश्चन अपने बुक में, अगर आप किसी की बात करें या अगर आर एस अग्रवाल की बात करें तो दोनों बुक में ढेर सारे क्वेश्चन है, मैं दूंगा वो तो करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन भी आप करें तो आपकी क्या इससे प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। थोड़ा बहुत पुराने क्वेश्चन भी चलने देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
तो बस इतना सी क्वेश्चन आपको करने आराम से क्वेश्चन करें। थैंक यू।